अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सफियान मोटरिंग। दिस इज मोहम्मद फैसल शाह खटक फ्रॉम प्रीमियम इंपोर्ट्स। अच्छा, आज हम एक और यूनिक गाड़ी की रिव्यू कर रहे हैं। फैसल भाई, ये कौन सी गाड़ी है, पैकेज कौन सा है? ये क्राउन मैजेस्टा है, 2004 मॉडल है। सही है। और 2000 अभी रिसेंटली 2024 की रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद। सही है। कस्टम ऑक्शन की गाड़ी है। ठीक है। और V6 इंजन है इसमें। इंजन पावर की अगर हम बात करें, हॉर्स पावर तो ये 276 हॉर्स पावर है और 3UZFE इंजन है इसमें। अच्छा फैसल भाई, इसमें ये कस्टम ऑप्शन आपने बताया, ये कौन सा ऑप्शन होता है? ये कस्टम ऑप्शन देखे, वो गाड़ियां होती है जो कि कस्टम्स, पाकिस्तान कस्टम्स सीज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर इनका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद ये प्रॉपर ऑक्शन होती है, फिर उसके बाद इसकी लेबोरेटरी होती है, चेकिंग होती है, सब कुछ होता है। सही है। इसमें भी काफी दो नंबरियां आ रही है, लेकिन यह की इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन आप उसके हर एक प्लेटफॉर्म है प्रॉपर, उससे आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सही हो गया। ठीक है जी। अच्छा, और फैसल भाई, इसकी तो ये कितने पैसों में, कितने प्राइस में ये जो है क्लियर होती है? इस पे प्रॉपर ड्यूटी पे होती है। ठीक। प्रॉपर यानी प्रॉपर पेमेंट होती है, फिर इसके ऊपर 10% होता है। ठीक है। और काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी पेमेंट होती है। कभी कभी गाड़ियां बहुत अच्छी प्राइस में आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम गाड़ियां मार्केट की प्राइस में ही आती हैं, लेकिन इसमें ये फायदा कभी कभी हो जाता है कि बहुत ज्यादा फ्रेश गाड़ी निकला है। अच्छा, सही है। जिस तरह ये गाड़ी काफी ज्यादा फ्रेश जी है जी। अच्छा फैसल भाई, अब गाड़ी की उस पे आ जाते हैं, जिस तरह की आपने बताया कि 4.3 लीटर V8 इंजन है इसमें। एग्जैक्टली। और बॉडी की अगर हम बात करें तो इसकी ये शेप फुल साइज लग्जरी सेडान्स है। ठीक है। ठीक है जी, जो कि 1991 से 2018 तक प्रोडक्शन इसकी हुई हुई है जापान में। ठीक है। ठीक है, इसमें फोर डोर हॉट टॉप भी आता है, फोर डोर सेडान आता है और विद सनरूफ भी आता है। ठीक है। ठीक है, इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई, रेयर व्हील ड्राइव हो गई। ठीक है। सही है। ऑल फोर व्हील ड्राइव भी हो गई। सही है। ठीक है, इसमें इसकी सिस्टर्स कार की अगर हम बात करें तो इसमें टोयोटा अरेस्टो और लेक्सस जीएस भी आता है। ठीक है, अरेस्टो काफी जबरदस्त गाड़ी जी है। सेम एस क्राउन है। जी 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 जी। फिर इसमें क्राउन में क्राउन रॉयल सैलून जी आता है। ठीक है। और जो बहुत लोडेड और अच्छी गाड़ी आ रही है वो हमारे पास है, क्राउन जी एग्जेक्टिव। सही है। ठीक हो गया जी। अच्छा फैसल भाई, इस गाड़ी की ये शेप क्यों चेंज होती है और क्राउन से ये मजेस्टा आई, वजह क्या होती है? और ये दूसरे कौन से क्राउन से मुझे काफी बड़ी भी नजर आती है। अच्छा, ये थोड़ा सा क्राउन का अपर ट्रिम है। ठीक है, यानी एक अपर क्लास ऑफ क्राउन है, इसको इन्होंने इस तरह जस्टिफाई किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, और ये लॉन्ग व्हील बेस, लॉन्ग व्हील बेस है इसका, काफी यूनिक स्टाइल है और इंटीरियर जो ट्रिम्स है वो काफी लग्जूरियस आप देख सकते हैं। जो कि या इसको जापानी एस क्लास भी कहते हैं। एस क्लास कहते हैं जी जी। रेयर से वो ज्यादा अच्छी है, फ्रंट से भी बहुत अच्छी है, लेकिन रेयर से और ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। डुअल, अच्छा इंटीरियर की अगर हम बात करें, इसमें इलेक्ट्रिक और मेमोरी सीट्स आ जाती हैं, ये वुडन ट्रिम्स आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। सही है। इसके एसी वेंट्स भी स्विंग करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, बीच रूम है। सही है। अच्छा, इसकी फैब्रिक सीट्स हैं। सही है। ये वो एग्जेक्टिव पैकेज नहीं है, लेकिन ये कि इसमें मोर और लेस मिड वेरिएंट आप बोल सकते हैं। जी जी। लेकिन सनरूफ है इसमें जी, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, मेमोरी सीट्स हैं। सही है। क्रूज कंट्रोल है,
और इसके फैब्रिक सीट्स हैं, फैब्रिक सीट्स हैं, काफी कंफर्टेबल है। लेदर से तो ज्यादा मुझे फैब्रिक सीट्स कंफर्टेबल लगती है। जी जी, एयरबैग्स हैं, 8 एयरबैग्स हैं, सही है। और ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है, इसमें सीवीटी नहीं होती, सही है। और स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें, इसमें भी मुझे पावर नजर आता है, एडजस्टेबल पावर है इसके, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, ठीक है। और टेलीस्कोप दोनों होता है जी। और गेज क्लस्टर इसका मैनुअल है, ठीक है, एनालॉग है, और इसमें स्पीडोमीटर है हमारे पास, और आरपीएम है, ठीक है, फ्यूल गेजेस है, और ये गेजेस है, ठीक है। और फैसल भाई, अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इसमें ये मीडिया साउंड सिस्टम ऑन हो सकती है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ इलेक्ट्रिकली जो आप, ये आप क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए मैक्सिमम ये ट्रीट होती है, सही है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसमें कूल बॉक्स का तो वो नहीं है, कूल बॉक्स इसमें नहीं है, अच्छा ठीक, कूल बॉक्स नहीं है, हाइट कंट्रोल इसमें है, ठीक है, पावर मोड इसमें है, स्नो मोड इसमें है, ठीक है, और हाइट कंट्रोल इसमें है अवेलेबल, ट्रैक्शन कंट्रोल भी, सही है। और ये इसका हैंड ब्रेक कहाँ पे, इसका ये हाथ से होता है जी। अच्छा, ये हाथ से, ये प्रॉपर हैंड ब्रेक है जी, जी बिल्कुल प्रॉपर हैंड ब्रेक है जी। और रियर कैबिन की अगर हम बात करें, रियर कैबिन तो ऑब्वियसली इसका काफी कंफर्टेबल होता है, सही है, ठीक है, रियर एसी वेंट्स भी इसमें, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, मेन चीज इसकी जो सबसे मेन चीज है वो इसकी ड्राइव है, और आपको प्रॉपर लग्जरी फील होती है इसकी ड्राइव में, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंफर्टेबल है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जाएं तो काफी कंफर्टेबल है। अच्छा, माइलेज की इसके अगर हम बात करें तो लॉन्ग पे 12 की थी है। अच्छा, माइलेज V8 के साथ 12 तो बहुत बड़ी माइलेज, बहुत बड़ी माइलेज, क्योंकि नॉर्मली ये मेरे ख्याल से लोकल में आपको 6-7 एवरेज देती होगी, ये लोकल में भी अच्छी देती है, 8 तक देती है, सही है, ठीक है। और इसमें मुझे नजर आ रहे हेड्स अप डिस्प्ले भी है, ठीक है, ये उस टाइम पे 2004 में ये फीचर इसमें जो कि अभी गाड़ियों में आ रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्ग व्हील बेस लग्जरी सेडान्स है, ठीक है, तो हर एक ऑप्शन उस टाइम जो अवेलेबल था इन्होंने इसमें दिया हुआ है। अच्छा फैसल भाई, अगर हम इसके आउटर एक्सटीरियर पे आ जाए तो फ्रंट में, एक्सटीरियर में हमारे पास इसके कौन से लाइट्स आ रहे हैं? फ्रंट में इसके एलईडी लाइट्स है, ठीक है, प्रोजेक्टर लाइट्स है, सॉरी, सही है, और साथ में HIDs है, ठीक है, और फिर फॉग लाइट्स है, बहुत पार्किंग सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर, अच्छा, रियर में भी इसकी LED लाइट्स है, और रियर फ्रंट दोनों इसके काफी अट्रैक्टिव है, रियर ज्यादा अट्रैक्टिव है, जी जी सही है। और अगर हम इसके साइड प्रोफाइल पे आ जाए, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस तो आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट कंट्रोल है, तो हाइट कंट्रोल फैसल भाई ये फ्रंट से सिर्फ और इसकी ऊपर फ्रंट रियर नहीं, फोर, अच्छा ये ऑल फोर जी, ठीक है, सही है। और अलॉय रिम्स इसमें कितने इंच, अलॉय रिम्स इसके हमने जापान से मंगवाए थे जी, ब्रांडेड प्रॉपर रिम्स है, बहुत प्यारे क्रोम, ठीक है, और ये कितने इंच के, ये 18 इंच, ठीक है, काफी स्पोर्टी लोगो होते हैं, और ये क्रोम है, फुली क्रोम, जी जी ठीक हो गया। और अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो ये दूसरे क्राउन से इसकी ट्रंक स्पेस ज्यादा है, ये इसका बेस काफी ज्यादा है ना, लॉन्ग व्हील बेस है, तो आई थिंक इंटीरियर के से दोनों जो है क्राउन और क्राउन मजेस्टा सेम होती है, सिर्फ इसकी जो चौड़ाई होती है, सॉरी लेंथ, वो डायमेंशन ज्यादा कम होती है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, और फैसल भाई, इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी क्या डिमांड है? 1.2 करोड़ रुपए, वन ऑफ इट्स काइंड है, इस वजह से जी, इसकी साइड शावर्ड है वो फेड हो गए थे, कंटेनर में खड़ी हुई थी, अच्छा, और रेस्ट ईयर के, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कोई काम भी नहीं है करने के लिए, अच्छा। बंदा बोले कि यार कोई काम है, कोई मामूली सा, पुरानी गाड़ी है ना, अक्सर उसमें काम होते हैं, वो कोई इस तरह है, सच कोई इशू भी साहब, बिल्कुल। और इसमें अलग सॉरी हीटेड सीट्स तो नहीं है ना? हीटेड सीट्स नहीं है, अच्छा ठीक हो गया, सनरूफ आ जाता है और रूफ लाइट्स, ठीक हो गया, तो बस यही पे एंड कर देते हैं। ये थी टोयोटा क्राउन मैजिस्टा का कंप्लीट वॉक अराउंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। लोकेशन की बात करें तो ये अलमास कार विलेज रिंग रोड पेशावर प्रीमियम इंपोर्ट्स पे ये गाड़ी अवेलेबल है, जहाँ पे आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।